नाग पंचमी पर पूजन से कष्ट होंगे दूर, काल सर्प दोष होगा छू मंत्र, हटेगी राहु केतु की बुरी दृष्टि। सर्पों और नाग देवता के पूजन का त्योहार नाग पंचमी सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 13 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन विशेष रूप से नागों की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से नागों और सर्पों की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत या शेष नाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक नाग का ध्यान और पूजन करना चाहिए। वैदिक मान्यता है कि नाग पंचमी काल सर्प दोष खत्म करने और धन की प्राप्ति करने का सबसे अच्छा दिन माना गया है। यदि इस दिन आप शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कैसे बनता है काल सर्प दोष और क्या है उपाय? जब कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो इससे काल सर्प दोष बनता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। काल सर्प दोष के अलावा भी यदि राहु केतु की वजह से जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो भी नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करने पर राहु केतु का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन व स्वास्तिक का पूजन करें। नाग नागिन के जोड़ों को दूध पिलाएं व स्वास्तिक पर बेलपत्र अर्पित कर ओम नागेंद्र हराय नमः मंत्र का जाप करें। हर हर भोले नमः शिवाय। इन अभिमंत्रित नाग नागिन के जोड़े को भगवान शिव को अर्पित कर दें और स्वास्तिक को गले में धारण करें। ऐसा करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन घर में मुख्य द्वार पर गोबर या मिट्टी से नाग देवता की आकृति बनाकर उसका पूजन करें और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और सर्प दोष सर्प भय से मुक्ति प्रदान करते हैं और घर में समृद्धि का आगमन होता है। राहु केतु के अशुभ असर से बचने के उपाय। कई लोगों की कुंडली में राहु केतु का दोष आ जाता है। राहु केतु का दोष न केवल मति भ्रष्ट कर देता है बल्कि शारीरिक हानियां भी पहुंचाता है। ऐसे में नाग पंचमी उनके लिए एक अवसर बनकर आई है। ऐसे लोगों को सांप को दूध अर्पित करने से लाभ मिलता है, लेकिन आप दूध के पैसे सपेरे को न दें अपितु परोक्ष रूप से नाग को अर्पित करें। यदि सपेरा स्वयं दूध पी जाता है और आप द्वारा दिए गए पैसों का भोजन कर लेता है तो उस उपाय अथवा दान का कोई महत्व नहीं रह जाता। सर्प पालक के तौर पर उसे अलग से दान दिया जा सकता है। तो आप सभी से अपेक्षा है कि नाग पंचमी पर ये उपाय कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।